अवश्य ही और अवश्य ही आज आपको हम बताएंगे क्या राहु के उपाय। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय माँ काली। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, राधे राधे। मैं संजीव ठाकुर। मैं साक्षी ठाकुर। ये उपाय कोई भी कर सकता है अगर राहु आपको परेशान कर रहा हो। कोई भी कर सकता है राहु को शुभ करने के लिए, राहु से शुभ फल लेने के लिए। और कहते हैं जब राहु उजाड़ने पे आता है तो आंधी तूफान की तरह मिनटों सेकंडों में सब कुछ उजाड़ देता है, और देने पे आता है तो आंधी तूफान की तरह देता है, इतना देता है कि इंसान से संभाले नहीं संभलता है। ये राहु की फितरत है। और जिसका राहु शुभ हो गया और राहु देव देने पे आए तो इतना दे देंगे कि आपसे संभाले नहीं संभलेगा, ये मेरी गारंटी है। रंग को राजा और राजा को रंग बनाने का कार्य जो है वो राहु का है। सबसे तेज राहु देव है, सबसे तेज, क्योंकि उन्हें आंधी तूफान कहा गया, समझ रहे आप? आंधी तूफान, वो हर चीज मिनटों में खत्म और मिनटों में बना देते हैं। तो अवश्य ही और अवश्य ही सबसे पहला अचूक उपाय, पीछे चुटिया रखिए। ये देखिए मैंने भी रखी हुई है, इसे बांध रखा है, ये उपाय कर रखा है मैंने, राहु को कंट्रोल कर रखा है। जी, अगर लेडीज हो तो लेडीज भी अपने जूड़ा बना ले, जूड़े पे गांठ बांध दे, वो भी राहु। नहीं तो पोनीटेल जैसे हम बोलते हैं कि वो आप रख सकते हैं, उससे आपको बहुत कंट्रोल मिलेगा, आपको राहु का आपको नेगेटिव इफेक्ट जो है आपकी लाइफ से निकलना शुरू हो जाएगा। ये तो ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल उपाय हैं जो हम घर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, माथे पे चंदन का तिलक भी आप कर सकते हैं साक्षी जी, उससे भी राहु देव काफी। बिल्कुल सही बात है संजीव, जब हम कहीं कोई डीलिंग करने के लिए जा रहे हैं, कोई नया काम करने के लिए जा रहे हैं, कोई हम कोई बिजनेस का कोई हमारा मेन काम है, तो हम जब घर से निकले तो अपने घर से ही चंदन का तिलक करके आपको घर से निकलना चाहिए, और कम से कम जब आपका इम्पोर्टेंट कार्य हो तो उस समय तो जरूर करके निकलना चाहिए, इससे भी आपका राहु कंट्रोल होता है। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी जी। और घर बैठे ही किचन में खाना खाना शुरू कर दीजिए आप। किचन जो होती है वो मंगल का स्थान होती है, और मंगल राहु को कंट्रोल करता है। ये आप 3-4 दिन ही किचन में खाना खा के देखिए, आपके अंदर ड्रामेटिकली चेंज आएगा और मजे आने लग जाएंगे आपको जिंदगी जीने के। बहुत अच्छा उपाय जी, ये तो बिल्कुल टेस्टेड उपाय है, इतना जबरदस्त। बाकी भी हमारे सारे उपाय टेस्टेड होते हैं, लोग बताते हैं। बिल्कुल सही बात है, नहीं तो राहु की ऐसी आंधी जो है वो आपको बर्बाद कर देती है। उसके लिए आपको ये उपाय करने बड़े जरूरी है। राहु आपका कहीं पर भी किसी भी भाव में खराब हो रहा है, चाहे वो 8वें भाव में हो, चाहे वो 9वें भाव में हो, चाहे वो 3रे भाव में हो, चाहे आपके दूसरे भाव में हो, आपको चाहे वो 6ठे भाव का राहु कहते हैं ना कि बहुत बड़ा ये जो है हर मुसीबत से बचाने वाला हाथी होता है, लेकिन ये हाथी भी कभी कभी पागल हो जाता है। साक्षी जी, अब 6ठे भाव का राहु आप देखिए कि अगर हम समझे तो पहले रोग ऋण शत्रु उठाता है, फिर दबाता है, फिर दबाता है। तो देखिए राहु देव कहीं पे भी बैठे हों, चाहे वो अपने उच्च के स्थान पे बैठे हैं, लेकिन वो दृष्टियां तो जहां जहां डाल रहे हैं वहां गड़बड़ कर रहे हैं ना। सही बात है, 6ठे भाव से राहु 3रे वाले का आप देखिए 7वें भाव में दृष्टि पड़ जाती है। उच्च का राहु है, मैं मानता हूँ भाई, उसको वो किसी से नहीं डरता, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन पंचम दृष्टि 7वें भाव में शादीशुदा जिंदगी में कलेश, डेली इनकम में रुकावट, नहीं साक्षी जी? फिर किस्मत को भी देखता है, किस्मत में रोड़े अटका देता है साक्षी जी, और फिर लाभ भाव को देखता है तो लाभ सारा रोक देता है, मोटे इनकम सारे। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, ये जो उपाय है ये राहु पहले से लेके 12वें तक किसी भाव में भी हो उस घर की नेगेटिविटी दूर करना होता है। इन उपायों का मतलब ये कोई भी कर सकता है, और जहां जहां राहु की दृष्टियां पड़ रही हैं उनको भी उनका भी असर खत्म करता है। जो जो जहरीली दृष्टि राहु की पड़ रही है सारे घरों पे पड़ेगी, चाहे वो उच्च स्थान पे बैठा हो, है ना। तो अगर आप ये उपाय करते हैं, जितने भी मैं आपको डीपली इसलिए समझा रहा हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए, जहां राहु देव बैठे हैं
और जिन घरों को देख रहे हैं सबको इन उपायों से आप बचा सकते हैं। देखिए कम से कम चार चार घर आपके सेव होंगे, चार घर पत्रिका में चार राहु तीन दृष्टियां पड़ रही हैं। और राहु देव जब अच्छे होते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देंगे जो देंगे, हल्का फुल्का राहु देव का काम नहीं है। राहु देव का काम छप्पड़ फाड़ के देना है। सरस्वती माता के चरणों में एक ट्यूलिप का फूल आता है, वो नीले रंग का होता है, वो जाके अर्पित करके आइए। राहु देव आपके बिल्कुल गुलाम हो जाएंगे, आपके आपके मुरीद हो जाएंगे, जो आपको चाहिए होगा वो मिलेगा। और एक उपाय मैं आपको बताऊंगा आज, बिल्ली की चेर, बट दैट शुड बी ओरिजिनल। बिल्ली की चेर जो होती है बड़ी ही मुश्किल से मिलती है मार्केट में, आपको पता है कुछ भी आजकल तो नकली बनाना कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो बिल्ली की जेर वो भी असली ओरिजिनल, और साथ में एक ऐसा ज्ञानी महाज्ञानी योग्य कोई इंसान जो मंगल देव का भक्त हो और मंगल देव की अच्छाइयां और बुराइयां जानता हो, मंगल देव का आशीर्वाद उसके ऊपर हो, वही इंसान 1.25 लाख मंत्रों से राहु देव को कंट्रोल करके बिल्ली की जेर में आपको दे, तब फायदा है। अगर आपने ऐसे ही ले लिया कहीं से बिल्ली की जेर को, बिल्ली की जेर जो होती है उसको भी बांधना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु को अगर आपने हाथी को खुला छोड़ के ले आए और वो पागल निकला तो घर तबाह कर देगा, मोहल्ला तबाह कर देगा, जंगल तबाह कर देगा। तो हाथी को सिखाना पढ़ाना बांधना भी बहुत जरूरी है। हाँ भाई, हाथी की सवारी तो बड़ा मजा आता करने में, लेकिन हाथी को कंट्रोल करना, साधना, पकड़ना, संभालना तो महावत का ही काम होता है जी। और महावत मंगल है, तो 1.25 लाख मंत्रों से अगर अभिमंत्रित हो, जाप किया हो, वो भी जिसको पता हो किस प्रकार से जाप करना है, किस तरह से बिल्ली की जेर को बांधना है, कंट्रोल करना है, नहीं तो वही वाली बात जो मैंने आपको बोली है, हाथी सब कुछ तबाह कर देगा। और संजीव जी, ये बिल्ली की जेर जो होती है पर्टिकुलरली ये जो है पैसे को खींचती है, बिल्कुल ये मनी मैग्नेट का काम करती है आपकी लाइफ में, मनी चंद्रमा के आपके योग को पॉजिटिव करती है, क्योंकि बिल्ली जो वॉर्म होता है, वॉर्म जो है वो बिल्ली जो का जो वॉर्म होता है वो जो है भूर्ण जिसे हम कहते हैं, वो बिल्ली वो चंद्रमा का भी कारक होता है, तो इसलिए जो है चंद्रमा को ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और राहु की नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि राहु जो है आपको पता ही है कि हर चीज को ग्रहण लगा देता है, सूर्य के साथ में बैठ जाए तो सूर्य ग्रहण बना देता है, चंद्रमा के साथ में बैठ जाए तो चंद्र ग्रहण लगा देता है, मानसिक रूप से परेशान कर देता है, गुरु के साथ में बैठ जाए तो आपको रीति रिवाजों से दूर कर देता है, और शुक्र के साथ में बैठ जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाकर आपके रिलेशन खराब कर देता है, और अगर राहु आपका जो है बुध के साथ में बैठ जाए तो भ्रमित योग भी बना देता है। तो इस राहु को पकड़ना है, मेन आपकी कुंडली के राहु को पकड़ लीजिए, और जो हमने छोटे छोटे उपाय बताए हैं आपको, और सबसे बढ़िया उपाय एक और भी है संजीव जी, मेडिटेशन का। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि राहु इससे थरथर कांपता है बिल्ली के जेर से और मेडिटेशन से। बिल्कुल, अगर आपको देखिए मेडिटेशन कर सकते हैं, फ्री का उपाय चाहिए तो मेडिटेशन कीजिए। कई लोग कहते हैं भाई मेडिटेशन भी करना है, बिल्ली की जेर भी रखनी है, तो बिल्ली की जेर अगर पॉकेट अलाउ करती है तो रखिए, वो भी ओरिजिनल रखनी है, ऐसे भी नकली वकली रखकर फिर आप प्लास्टिक की थैली रखने का जरूरत नहीं है, फिर आपको ओरिजिनल रखनी पड़ेगी और उसको अभिमंत्रित करवा कर रखेंगे तभी आपको फायदा होगा। और दूसरा जो है मेडिटेशन कीजिए, घर बैठे मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि दिमाग स्ट्रांग होगा तो चंद्रमा स्ट्रांग होगा, चंद्रमा स्ट्रांग होगा मेडिटेशन से गुरु स्ट्रांग होगा, बृहस्पति अच्छा हो जाएगा, और जब बृहस्पति अच्छा होगा तो केतु अपने आप होगा, केतु आपका अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा, तो केतु जो है राहु का दुश्मनी है, तो आपके जो है ग्रह आपके पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे उपाय हैं जो आपके जीवन में चमत्कार लेकर आते हैं। और दर्शकों, मैं आपको एक और बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप हमसे फ्री कुंडली एनालाइजेशन चाहते हैं तो हम लोग रोज 10 से 10:30 बजे के बीच में लाइव पर हम लोग आप लोगों से मिलते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ का आपका पूरा एनालाइजेशन करते हैं, जिसमें आपकी कुंडली को हम पूरा देखते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जुड़िए, फेसबुक पे जुड़िए, यूट्यूब पे जुड़िए, और
हमारा ग्रुप है एक आचार्य साक्षी संजीव ठाकुर फेसबुक पे, ग्रुप पेज भी है और ग्रुप भी है, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको रोज रेगुलर पोस्ट जो है आपको मिलती रहे। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, राहु को कंट्रोल कीजिए और थर थर कांपने वाले जो है राहु के उपाय कीजिए और आपके जीवन में जो है आनंद ही आनंद जो है, परमानंद जो है वो पाइए। मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, राधे राधे। मैं संजीव ठाकुर, राधे राधे।